मैं आपको बताने वाला हूँ। ये मारुति की स्विफ्ट है, इसके कैबिन के अंदर देखो पानी आ जा रहा है। इसमें फॉल्ट ये है, इसका एसी का कूलिंग कॉइल चोक हो गया है, जिसके कारण पानी बाहर ड्रेन नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इसका कूलिंग कॉइल कैसे खोला जाता है। गियर पैनल अपने को हटाना पड़ता है इसके लिए, और इसलिए निकल जाता है। उसके बाद बैक का भी अपने को पैनल हटाना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पर एक लॉक देता है और यहाँ एक लॉक, इस लॉक को रिमूव करने से ये इजली बाहर आ जाता है। आप चाहे तो आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, उनको खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से ये 6 स्क्रू दिख रहा है, और 6 स्क्रू रिमूव करके आप यहाँ से भी इसको खोल सकते हैं। फिर यहाँ साइड पे ये लॉक देता है, इस लॉक को अपने को यहाँ पर ऐसा पुश करके ये इजली रिमूव हो जाता है। इसके बाद ये कवर खोल के कवर बाहर, सेम कवर अपोजिट साइड, दो तो कवर खोल वहाँ का नीचे वाला, ये कवर खोल, उसके बाद इसको पुश करके कचरे का काम करोगे एसीएम लगाना है, और ऐसी यहाँ पे का वायरिंग कवर खुला, कवर पैक करना है। वायरिंग वाले के पास वायरिंग नहीं है, एसीएम बस नहीं फिट कर पाओगे, फिट हो जाएगा। हाँ एसीएम फिट करना, वही बोल रहा हूँ, फिट कर देंगे, ला लो। गाड़ी आपको जाना पड़ेगा, चक्का एक पंचर है, 6 महीना से गाड़ी खड़ी है, भाई बैठा होगा उसमें बात, सामान मैं ला दे रहा हूँ पूरा, आपका भाई से बात कर लो एक बार। गाड़ी में बैठा उस साइड में, उस साइड बैठा,
इसके बाद ये पावर स्टेयरिंग का मॉड्यूल है, इसको अपने को रिम्यू करना पड़ता है। छोटो 10 की गोटी ले, रेचिट, डाइनची डिस्टेंस, गाड़ी के काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पर 4 इसका नट दिया हुआ है, यहाँ पर कवर और जस्ट अप वो भी 2 इस साइड भी दिया हुआ है। तो अपन इसको अभी खोलते हैं, थोड़ा सा पानी सुखा लो, कुछ ले आप फोम वोम का। ये इसलिए हो जाता है, इसके लिए क्या एसी वाले बोलते हैं कि गैस वैस लगेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसलिए नीचे से खोल के थोड़ा सा मेहनत लगता है, बाकी खुल जाता है। आप देखते रहिए काइंड एक कंटिन्यू वीडियो, मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका कूलिंग कॉइल कैसे खोलते हैं। उसके बाद ये नीचे उसका कैप दिया हुआ है कूलिंग कॉइल का, ये नीचे उसका कैप है। नीचे इसके राउंड में देखो ये स्क्रू दिए हुए हैं, और यहाँ पर एक 10 का नट लगा हुआ है, जिसको खोलने से इसका कैप बाहर आएगा और इसके अंदर ही इसका कूलिंग कॉइल है। देखिए फ्रेंड, इसके जहाँ ड्रेन पाइप है वहाँ कितना मिट्टी आ गया है, जिसके नाम से इसका पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा है, और साथ में आप उसका कूलिंग कॉइल सर्विसिंग करने वाले हैं। इसके लिए अभी सेफ्टी के लिए अपन इसमें पॉलीथिन बिछा देते हैं, जिससे गाड़ी के अंदर पानी ना जाए। ये देखिए इसका क्लीनिंग वाली कितना डस्ट आ गया है, तो अपन क्लीन कर लेंगे। पाइप ले क्या उसको वाश करके अपन क्लीन कर देंगे, उसको भी साफ कर देंगे, जिससे कि इसका जो अंदर पानी गिर रहा था इसी को। देखिए प्रण, आप हम लोग इसको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और 200 किलोमीटर ड्राइव करे, उसके बाद भी पानी नहीं आ रहा। देखिए पूरा जैसा था वैसा फिटिंग हो गया है। उसमें पानी आता है तो अक्सर इसका कूलिंग कॉइल का जो ड्रेन नली होता है वो सोक हो जाता है, तो उसको क्लीन करने से, सर्विस करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।